ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सप्तम स्कंद के पहले अध्याय में नारद जी और युधिष्ठिर का संवाद होता है और जय विजय की कथा होती है। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान तो स्वभाव से ही भेदभाव से रहित हैं, सम हैं, समस्त प्राणियों के प्रिय और सुहृद हैं। फिर उन्होंने जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र का पक्ष ले और शत्रुओं का अनिष्ट करे, उसी प्रकार इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों किया? वे स्वयं परिपूर्ण कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें देवताओं से कुछ लेना देना नहीं है, तथा निर्गुण होने के कारण दैत्यों से कुछ बैर विरोध और उद्वेग भी नहीं है। भगवत प्रेम के सौभाग्य से संपन्न महात्मन हमारे चित्त में भगवान के समत्व आदि गुणों के संबंध में बड़ा भारी संदेह हो रहा है, आप कृपा करके उसे मिटाइए। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि महाराज, भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि ऐसे प्रसंग प्रह्लाद आदि भक्तों की महिमा से परिपूर्ण होते हैं, जिसके श्रवण से भगवान की भक्ति बढ़ती है। इस परम पुण्यमय प्रसंग को नारद आदि महात्मा गण बड़े प्रेम से गाते रहते हैं। अब मैं अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि को नमस्कार करके भगवान की लीला कथा का वर्णन करता हूं। वास्तव में भगवान की लीला निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृति से परे है। ऐसा होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके वे बाध्य बाधक भाव को, अर्थात मरने और मारने वाले दोनों के परस्पर विरोधी रूप को ग्रहण करते हैं, परमात्मा के नहीं। परीक्षित, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति के गुण हैं, परमात्मा के नहीं। इन तीनों गुणों की भी एक साथ ही घटती बढ़ती नहीं होती। भगवान समय समय के अनुसार गुणों को स्वीकार करते हैं। सत्व गुण की बुद्धि के समय देवता और ऋषियों का, रजोगुण की बुद्धि के समय दैत्यों का, और तमोगुण की बुद्धि के समय वे यक्ष एवं राक्षसों को अपनाते और उनका अभ्युदय करते हैं। जैसे व्यापक अग्नि काष्ठ आदि भिन्न भिन्न आश्रयों में रहने पर भी उनके अलग नहीं जान पड़ती, परंतु मंथन करने पर वो प्रकट हो जाती है, वैसे ही परमात्मा सभी शरीर में रहते हैं, अलग नहीं जान पड़ते, परंतु विचारशील पुरुष हृदय मंथन करके उनके अतिरिक्त सभी वस्तुओं का बाध करके अंततः अपने हृदय में ही अंतर्यामी रूप के उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। जब परमेश्वर अपने लिए शरीरों का निर्माण करना चाहते हैं, तब अपनी माया से रजोगुण की अलग सृष्टि करते हैं, और जब वे विचित्र योनियों में रमण करना चाहते हैं, तब सत्वगुण को, और जब वे शयन करना चाहते हैं, तब तमोगुण को बढ़ा देते हैं। परीक्षित, भगवान सत्य संकल्प हैं, वे ही जगत की उत्पत्ति के निमित्त भूत, प्रकृति और पुरुष के सहकारी एवं आश्रय काल की सृष्टि करते हैं, इसलिए वे काल के अधीन नहीं, काल ही उनके अधीन हैं। राजन, ये काल रूप ईश्वर जब सत्वगुण को की वृद्धि करते हैं, तब सत्वमय देवताओं का बल बढ़ाते हैं, और तभी वे परम यशस्वी देवप्रिय परमात्मा देव विरोधी रजोगुणी और तमोगुणी
दैत्यों का संहार करते हैं। वस्तुतः वे सम ही हैं। राजन, इसी विषय में देवर्षि नारद ने बड़े प्रेम से एक इतिहास कहा था। वह उस समय की बात है जब राजसूय यज्ञ में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने उनके इस संबंध में एक प्रश्न किया था। उस महान राजसूय यज्ञ में राजा युधिष्ठिर ने अपनी आंखों के सामने बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी थी कि चेदी राज शिशुपाल सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गया। वही देवर्षि नारद भी बैठे हुए थे। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर राजा युधिष्ठिर ने बड़े बड़े मुनियों से भरी हुई सभा में उस यज्ञ मंडप में ही देवर्षि नारद से यह प्रश्न किया। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि अहो, यह तो बड़ी विचित्र बात है, परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है, फिर भगवान से देश करने वाले शिशुपाल को यह गति कैसे मिली? नारद जी, इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं। पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा वैन को नरक में डाल दिया था। यह दम घोष का लड़का पापात्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंतवक्त दोनों ही जब से तुतलाकर बोलने लगे थे तब से अब तक भगवान से द्वेष ही करते रहे। अविनाशी परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को ये पानी पी पी कर गाली देते रहे, परंतु इनके फलस्वरूप न तो इनकी जीव में कोड़ी हुआ, न इन्हें घोर अंधकार में नरक की ही प्राप्ति हुई। प्रत्युत जिस भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, उन्हीं में ये दोनों सबके देखते देखते अनायास ही लीन हो गए। इसका क्या कारण है? हवा के झोंके से लड़खड़ाती हुई दीपक की लौ के समान मेरी बुद्धि इस विषय में बहुत आगा पीछा कर रही है। आप सर्वज्ञ हैं, अतः इस अद्भुत घटना का रहस्य समझाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सर्वसमर्थ देवऋषि नारद राजा के ये प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरस्कार ठीक ठीक विवेक न होने के कारण ही हुई है। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है तब यह मैं हूं, यह मेरा है, ऐसा भाव बन जाता है। यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। जिस शरीर में अभिमान हो जाता है कि यह मैं हूं, उस शरीर के बध से प्राणियों को अपना बध जान पड़ता है, किंतु भगवान में तो जीवों के समान ऐसा अभिमान है ही नहीं, क्योंकि वो तो सर्वात्मा हैं, अद्वितीय हैं। वे जो दूसरों को दंड देते हैं वह भी उनके कल्याण के लिए ही, क्रोधवश अथवा द्वेषवश नहीं। तो भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना तो की ही कैसे जा सकती है? इसलिए चाहे सुदृढ़ वैर भाव से या वैरहीन भक्तिभाव से, भय से, स्नेह से अथवा कामना से, कैसे भी हो, भगवान ने अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद नहीं है। युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य वैर भाव से भगवान में जितना तन्मय हो जाता है उतना भक्ति योग से नहीं होता। भृंगी कीड़े को लाकर भीत पर अपने छिद्र में बंद कर देता है और वह भय तथा उद्वेग से भृंगी का चिंतन करते करते उसके जैसा ही हो जाता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भी है। लीला के द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हुए
ये सर्वशक्तिमान भगवान ही तो हैं। इनसे बैर करने वाले भी इनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर इन्हीं को प्राप्त हो गए। एक नहीं अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए। जैसे भक्त भक्ति से, महाराज गोपियों ने भगवान से मिलन के तीव्र काम अर्थात प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल दंत वक्त्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदवंशियों परिवार के संबंध से, और तुम लोगों ने स्नेह से, और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। भक्तों के अतिरिक्त जो पांच प्रकार के भगवान का चिंतन करने वाले हैं उनमें से राजा वैन की तो किसी में भी गणना नहीं होती, क्योंकि उसने किसी भी प्रकार से भगवान में मन नहीं लगाया था। सारांश यह है कि चाहे जैसे हो, अपना मन भगवान श्री कृष्ण में तन्मय कर देना चाहिए। महाराज फिर तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल और दंत वक्त दोनों ही विष्णु भगवान के मुख्य पार्षद थे। ब्राह्मणों के हिसाब से इन दोनों को अपने पद से च्युत होना पड़ा था। राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला वह साप किसने दिया था तथा वह कैसा था? भगवान के अनन्य प्रेमी फिर जन्म मृत्यु मैं संसार में आए, यह बात तो कुछ अविश्वसनीय सी मालूम पड़ती है। वैकुंठ के रहने वाले लोग प्राकृत शरीर, इंद्रिय और प्राणों से रहित होते हैं, उनका प्राकृत शरीर से संबंध किस प्रकार हुआ, यह बात आप अवश्य सुनाइए। तो नारद जी ने कहा, एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादिक ऋषि तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए वैकुंठ में जा पहुंचे। यूं तो वे सबसे प्राचीन हैं, परंतु जान पड़ते हैं कि ऐसे मानो 5-6 वर्ष के बच्चे हो, वस्त्र भी नहीं पहनते। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने उनको भीतर जाने से रोक दिया। इस पर वो क्रोधित हो गए और उन्होंने द्वारपालों को यह साप दिया कि मूर्खो, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहते हैं, तुम दोनों उनके समीप निवास करने योग्य नहीं हो, इसलिए शीघ्र तुम यहां से पापमयी असुर योनि में जाओ। उनके इस प्रकार श्राप देते ही जब वे वैकुंठ से नीचे गिरने लगे तब उन कृपालु महात्माओं ने कहा, अच्छा 3 जन्मों में इस श्राप को भोग कर तुम लोग फिर इसी वैकुंठ में आ जाना। युधिष्ठिर वे ही दोनों दिति के पुत्र हुए। उनमें बड़े का नाम हिरण्याकश्यप तथा छोटे का हिरण्याक्ष, दैत्य और दानवों के समाज में यही दोनों सर्वश्रेष्ठ थे। विष्णु भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्याकश्यप को और पृथ्वी का उद्धार करने के समय वाराह अवतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवत प्रेमी होने के कारण मार डालना चाहा और इसके लिए उन्हें बहुत ही यातनाएं दी, परंतु प्रहलाद सर्वात्मा भगवान के परम प्रिय हो चुके थे, समदर्शी हो चुके थे, उनके हृदय में अटल शांति थी, भगवान के प्रभाव से वे सुरक्षित थे। इसलिए तरह तरह से चेष्टा करने पर भी हिरण्यकश्यप उनको मार डालने में समर्थ न हुआ। युधिष्ठिर वे ही दोनों विश्रवा मुनि के द्वारा कैसनी केक्सी के गर्भ से राक्षसों के रूप में पैदा हुए। उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। उनके उत्पातों से सब लोगों में आग सी लग गई थी। उस समय भी भगवान ने उन्हें साप से छुड़ाने के लिए राम रूप से उनका वध किया। युधिष्ठिर मार्कंडेय मुनि के मुख से तुम भगवान श्री राम का चरित्र सुनोगे। वही दोनों जय विजय
इस जन्म में तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवक्त थे। दंतवक्त के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श प्राप्त हो जाने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे सनकादि के साप से मुक्त हो गए। वैर भाव के कारण निरंतर ही वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उसी तीव्र तन्मयता के फलस्वरूप वे भगवान को प्राप्त हो गए और पुनः उनके पार्षद होकर उन्हीं के समीप चले गए। तो युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान हिरण्यकश्यपु ने अपने स्नेह भाजन पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? फिर प्रहलाद तो महात्मा थे, साथ ही यह भी बतलाइए कि किस प्रकार साधन से प्रहलाद भगवत मैं हो गए। अतः पहला अध्याय यही समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट बॉक्स में लिखें।